अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन के बाद में अषाढ़ मास समाप्त हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन प्रारंभ होता है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा पुण्य फलदायी होती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा को समर्पित गुरु पूर्णिमा पर की गई पूजा उपवास बहुत पुण्यदायी माने गए हैं। इस दिन शिक्षक गुरु का पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण करके अपने आप को धन्य मानते हैं और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि गुरु अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि दी जाती है, क्योंकि गुरु व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। कालिदास जी गुरु का महत्व बताते हुए लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कालिदास जी का यह दोहा गुरु के प्रति सम्मान को व्यक्त करते हुए है। आदिकाल से हमारे समाज में गुरु की महत्वता को स्वीकारा है। गुरु बिन ज्ञान न होई का सत्य भारतीय समाज का मूल मंत्र रहा है। माता बालक की प्रथम गुरु होती है, क्योंकि बालक उसी से सर्वप्रथम सीखता है। भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए थे। इसके अलावा भी भारतीय धर्म, साहित्य और संस्कृति में अनेक ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जिनसे गुरु का महत्व प्रकट होता है। यहाँ तक कि वशिष्ठ को गुरु रूप में पाकर श्री राम ने, अष्टावक्र को पाकर जनक ने और संदीपनी को पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा ली थी। गुरु की महत्वता बनाए रखने के लिए ही भारत में गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन या व्यास पूजन किया जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप जिसे भी अपना गुरु बनाते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से आपके जीवन का अंधकार दूर होता है। अच्छे गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। केवल गुरु ही नहीं, बल्कि अपने से बड़े और अपने माता पिता को गुरु तुल्य मानकर उनसे सीख लेनी चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा की एक पूजा विधि है जो बेहद आसान है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा के लिए विशेष महत्व है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद घर में पूजा स्थल में विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। यदि आपने अपने गुरु बना रखे हैं तो उनकी चरण वंदना जरूर करें और अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। इस दिन गुरु के अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। इस दिन गाय की पूजा व सेवा और दान करने से अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन वेदों के रचयिता वेद व्यास को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा की तिथि शुरुआत 2 जुलाई की रात 8:21 पर हो रही है, जिसका समापन 3 जुलाई को शाम 5:08 पर होगा। सूर्य उदय तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को मनाई जाएगी। वीडियो डेस्क jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।